मेरा नाम अनुराग अरोड़ा है, मैं जलंधर शहर का वसनीक हाँ। तो मैं इतने ऑरगैनिक फार्मिंग कर रहा, असं रिटेल करते हैं जी। 2017 जॉब छड़ के आया सीगा, तो उस तो बाद मैं घर की छत जिवें गमलिया के सब्जियां उगानियां सीखियां। तो कह सकते हो असी 2017 में स्टार्ट किया, कंपनी असं रजिस्टर की 2017 एंड में। उस तो बाद फिर ग्रैजुएट करते करते फिर असं हम फार्मर्स की एसोसीएशन बनाई, आप मैं फार्मिंग कर रहा कन्वेंशनल जिम्मे अपना वे स्केल कर रहे हैं, ग्रैजुएट करते करते हम रिटेल भी नाल कर रहे हैं। मिंक का मतलब है मार्क इन काइजन, एक जापानी टर्म है। जिथे मैं कंपनी काम करता से टोटल यू नो प्रोडक्शन मेंटेनेंस के उपर ना काम होंगे है, बड़ी वीडी जैपनीज टैक्नोलॉजी हैगी है, जिसमें असी मशीनों या असी बंद काम को बैटर करते हैं। जिमें कोई चीज़ लभनी 30 सैकेंड आप चीज़ लभ सकते हैं, जिनों आप कहने सर्च फ्री काउंट फ्री। एक टैक्नोलॉजी के टर्म यूज होंगी काइजन, काइजन इज कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। काय का मतलब कंटीन्यूअस है, ज़ेन का मतलब इंप्रूवमेंट है। मार्क असी छड़ना काइजन के, असी कुछ ना कुछ इंप्रोवाइजेशन करनी है, क्योंकि जो असी इनोवेशंस नहीं करांगे तो असी डेड। डिफरेंट जैसे कॉन्सैप्ट बनाया है, जिसे जूसिंग भी है, डेयरी भी है, ग्रॉसरी भी है, प्लांट्स भी ने, ते किचनवेयर भी है। सो जो असं जूसिंग की गल करते हैं, असं नैचुरल जूसिस बिलीव करते हैं, जिमें वीट ग्रास की असं गल करते हैं फ्रैश ग्रोन, क्योंकि जिहड़ी चीज़ फ्रैश है उहदा कोई मोल नहीं है जी। उस तो बाद जे असं ग्रॉसरी की गल करिए, दालां मसाले देसी घ्यो मिलट्स हो गए, आटे हो गए, डिफरेंट प्रकार के मल्टीग्रेन फ्लावर्स हो गए, ये सारा का एक असी सैटअप जो बनाया हुआ, जो हम शेक्स वगैरह भी शुरू करने लगे है। मैकेनिकल इंजीनियर हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो। उस तो बाद मैं MBA की दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स, बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉलेज है। मेरा एम सीगा डिफेंस से जान का, तो मैं डिफेंस के सिलेक्ट भी हो गया सीगा। मैं SSB 7 SSBs दे चुका वा, इलाहाबाद तो मेरी रिकमेंडेशन हुई सी इंडियन आर्मी वास्ते, बट मेडिकल के एक्सीएल लेंथ ऑफ आई कोई इशू होंगे है, वह करके मैंने परमानेंट डायरेक्शन देती गई थी। उस तो बाद फिर मैं कैट दिता, तो MBA करके, MBA तो बाद मेरी डायरैक्ट सिलेक्शन हुई सी ट्राइडेंट ग्रुप वालों, तो ट्राइडेंट ग्रुप के फिर मैं 3 साल जॉब करके अपना छड़ के फिर मैं इतने काम शुरू किया। छोटे होंगे तो जिम्मे कहते ना सोचा हुआ कि जी कंपनी मैं एक बार जुड़ूंगा दूजी कंपनी मैं कुछ करा अपनी बनावा, तो यह नहीं पता किस चीज़ का काम करना या की करना है। जो उ ट्राइडेंट के जॉब कर रहा है, तो उत्थे असी काफ़ी मेरा काम से HR के IR रादर, जिनों से कहने इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिद असी जिमें इंपलॉइज़ नाल गलबात करते हाँ, इंपलॉइज़ में मिलते हाँ, उन्होंने प्रॉब्लम सुनते हाँ, उन्होंने देखते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है। उत्थे मैं देख रहा कि इंपलॉइज़ काफ़ी छुट्टी लेंदे से, वो कहते कि साडे घर एक बंदा बीमार हो गया, इन्हू हॉस्पिटल लैके जाना है, तो सुन के लगता कि शायद बहाने मार रहे हैं कि हर बंद के घर थोड़ी इदा की प्रॉब्लम हो सकती हैगी। फिर जो उन्होंने घर जाना शुरू किया, देखा मिले उन्होंने फैमिलीज़ में, वाकई देखा कि उत्थे कैंसर हर घर के किमें अपना बैठा है अंदर, हर फैमिली मैंबर या एक फैमिली दो दो तीन तीन जाने हो, क्योंकि मालवा बेल्ट जी सा जो मालवा एरिया है, यदा पानी भी कुछ हैवी है, सैकेंडली इधर कपाह की खेती करके बहुत सारी उत्थे इंसैक्टीसाइड पेस्टसाइड की स्प्रेयां वगैरह भी होंगे है। कितना कितने तार इस वल जुड़ रहे थे कि जी इनऑरगैनिक खेती हो रही है, बहुत ज़्यादा स्प्रेज वगैरह हो रही है, इन्हों कितना कितने ये कारण है साढ़े हेल्थ इशूज़ का। फिर जो मैं जॉब छड़ी, जॉब छड़न का मुढ़ कारण यह जी कि किसी होर नूं भी जॉब मेरी जगह मिले। उस तो बाद जे मैं कोई उद्यम करदा इत्थे या मैं कोई इत्थे काम शुरू करदा हैगा, तो मैं भी 4 जणियां नूं होर नौकरियां प्रोवाइड कर सकदा, इकोनमी इदां ही वधेगी, होर कोई तरीका नहीं हैगा जी। मेरी कोई पिछोकड़ खेती तो नहीं हैगा, मेरी कोई साडी कोई लैंड्स नहीं हैगियां फार्मिंग दियां, ना मेरे परिवार च पुश्तां तों पुश्तां तक अज तक किसी ने फार्मिंग की सीगी, तो मेरे वास्ते एक नवां कह सकदे हो एक सफर सीगा। तो मैं घर के पहला हूँ जो को जमीन नहीं होएगी वो की करेगा, जो उगाना चाहता सब्जियां तो गमलों में उगाएगा, फिर मैं गमलों के मिट्टी भर के आप जिमें क्रेट्स लाए, मैं मेरी वाइफ ने असं लग के इकट्ठे सवेरे काम शुरू कर देना, और गमलों में सब्जियां ला के देखनी, इन्ना भी नहीं समझ सी बिल्कुल ही, जिमें एक जिमें बच्चा काम करता मैं उवें काम करना शुरू किया, कोई किताबा भी नहीं पढ़िया कि जिमें बीज लियाए PAU तो बीज ला के पाते देखते हैं कि होंगे, करते 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 हौली हौली समझ आनी शुरू हुई ड्रेनेज की इंपोर्टेंस, सीड की इंपोर्टेंट, सीड की जिमें पहला सीड को किवें अपना साफ सुथरा करना करना, हौली हौली करते करते फिर जो लग्या थोड़ा कॉन्फिडेंस बनना शुरू होया, जो मैं लग्या कि कुछ हूँ मैं सब्जियां उगा सकता, तो मैं लोगों को प्रेरित किया कि मैं थोड़े घर के आके थोड़े घर के छत के उपर या थोड़े घर के जो लॉन है उन्होंने सब्जियां लावांगा, जिस करके मैंने होर एक्सपेरीमेंटेशन का मौका मिले। फिर मैंने लोगों ने पे करना शुरू किया कि आओ साडे घर सब्जियां लाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, मैंने हाले भी काफ़ी क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। करते फिर जो लग्या कि बई हूँ असं उत्थे अच्छा कर रहे हैं, फिर थोड़ा फार्मर्स नाल जोड़ना शुरू किया, थोड़ी लैंड वड्डी लीती, फिर देखिया कि आप रिटेल असी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होर जोड़ने शुरू किए, अज डेट से साडी
सुख नाल जिहड़ी साडी एसोसीएशन हैगी है 160 तों 200 एकड़ जमीन बन जाती हैगी जी। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਸ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ PAU ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ, PAU ਤੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਲੈਬਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਫੋਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ NCOFA ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ। ਨਾਈਸ, ਬਟ ਅਲੋਟ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ PAU ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫੈਮਲੀ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਸੈਲਰੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 24-25, ਮੇਰੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ। ਰਿਸਕ ਲੈਣੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲਰਨਿੰਗ ਗਿਣਦਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਪਰਾਊਟਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4000%, 40 ਗੁਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਈ ਕੇਮ ਅਕਰੋਸ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰੀਨਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਤਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਕੌੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੋਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਵਿਗਮੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ 40-45 ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸਡ, ਇਹ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਿਚੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਸ 'ਚੋਂ ਜੂਸ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਅਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੂਸਰ ਦੀ, ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜੂਸਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਟੀਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਪੈਕਟ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਪਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ PCOD ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਈਵਨ ਕੈਂਸਰ, ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਵੀਟ ਐਲਰਜੀਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
सिमिलरली दिस, बट जो इनू असं कट के उस वेले यूज कर दें ये जो इनजाइम्स ने वो नाल दे नाल बॉडी के जाते हैं तो यदि जी जी न्यूट्रिएंट्स है सारी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी बैटर हो जाती है। आयुर्वेदिक नर्सरी जिम्मे असी प्लैन की है जिस असं 25-30 तरह के पौधे जिमें जिस सुहांजना सहजन एलोवेरा इंसुलिन वज्रदंती थोड़ा ला लो उच्चन सोनपत्ता ये चीज़ा भी असं शुरू कर रहे हैं। इलायची वगैरह हो गया नाल इन्हां नूं तुसीं किवें यूज़ करना है किवें गाइडेंस दे नाल तुहानूं असीं देवांगे तुसीं घरे लगाओ आप तो वधिया होवे होवे अपने आस पास वालों भी दो क्योंकि पेड़ इदां दी चीज़ है जिन्हां तुहाडे तों मंगना कुछ नहीं तुहानूं देना ही देना है। तो असीं कोशिश यह करते हैं कि असीं शुरू करिए लीव्स तो क्योंकि लीव्स पौधे की सब तो पहली जिहड़ी चीज़ निकलती लीव्स होंदी है। जे तुसीं फ्रूट छड़ के लीफ के उपर आ जाओ तो तुहानूं हर टाइम लीफ मिलती रहेगी इस करके तुसीं डिपेंड है। जिवें हुण बहुत सारिया सरकारा ने बिहार के यूपी के मोरिंगा सुहांजना सहजन जिन्हों आप कहने इंग्लिश आप ड्रमस्टिक कहने इनू काफ़ी प्रमोट किया है। वो कहें हर आंगन एक मोरिंगा लगे क्यों मोरिंगा एक इदा का प्लांट है जिदे पोटैशियम बनैनास नालों ज़्यादा कैल्शियम दुध नालों ज़्यादा विटामिन ए गाजर नालों ज़्यादा है। तो जे लैक्टेटिंग मदरस नर्सिंग मदरस जुदियाँ जिड़िया गर्भधारण जिन्होंने किया हो उन्हां वास्ते बहुत ये न्यूट्रीशन दिंदा है माल न्यूट्रीशन तो बचाता है। तो असी पेंडेमिक बारे अज सारे जानते हैं हुण इस वर्ड नूं बड़े रेयरली असी पहले जानते सीगे पेंडेमिक एक इदा की बीमारी है जिहड़ी फैल चुकी है बहुत वड्डे लैवल पर। मैं तुहानूं तीन पेंडेमिक्स होर दसदा जिहड़ियां फैल चुकी है। एक हैगी ओबैसिटी जिहड़ा एक्सट्रा चर्बी एक हैगी तुहाडी जिहड़ी शुगर डायबिटीज़ एक हैगी मैलन्यूट्रिशन लोग फुले हुए ने ते अंदर ताकत घट है उस हर चीज़ का इलाज ये साडा स्टार्टअप है। फ्यूचर प्लैन जी ये है कि एक तो लोगों को इस चीज़ चों कढ़ना है अवेयरनैस देनी हैगी है इकोनमी वधानी है पंजाब की जिदा बेड़ा गर्क करता साडे बड़े साडे लीडर ने असी इकोनमी भी वधावांगे असी पंजाब नूं ऑर्गेनिक स्टेट भी बनावांगे असी लोगों नूं कैंसर वर्गी बीमारियों तो भी बचावांगे ये साडा हैगा फ्यूचर प्लान। इहदे वास्ते असी करना की है असी हुण फार्मर्स नूं नाल जोड़ रहे हैं साडी एसोसीएशन है माफिया मिंक एसोसीएशन ऑफ फार्मर्स इन अलायंस जिहदे नाल 160-200 एकड़ हुण तक लैंड जुड़ चुकी है फार्मर्स जुड़ चुके हैं जिहड़े ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उन्हां नूं असी गाइडेंस भी दिंदे हां उन्हां नूं असी मार्केट भी प्रोवाइड करते हैं। इस तो इलावा असी रिटेल स्टोर्स अपने होर खोल रहे हैं आप भी खोल रहे हैं फ्रेंचाइजीज भी दे रहे हैं जिदे नाल इस सारे जिहड़े फार्मर्स असी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं असी डायरैक्टली इन्हां नूं लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इस तो इलावा असी लोगों नूं सिर्फ चीज़ां वेच नहीं रहे नाल अवेयरनैस भी दे रहे हैं समझा भी रहे हैं जिवें तुहानूं मैं दस रहा है कि भी ये चीज़ का यह फायदा है यह नुकसान है इनू इदां वरतो इनू घर च भी ला सकते हो। आ वीट ग्रास सिर्फ असी वेचण तक नहीं रखते तुहानूं मैं एक एक पैसे की गाइडेंस देना है कि किवें तुसीं इहनूं घरे उगा सकते हो चाहे तुसीं मेरे तो रुपये की चीज़ ना खरीदी होवे क्यों क्योंकि ये चीज़ तुहाडे तक पहुँचनी जरूरी है। जे हर गली दे नुक्कड़ ते मोड़ ते कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है तो यह भी मिल सकता है। ये साडी पिछोकड़ है साडी पहचान है साडा कल्चर है पेड़ उही वधेगा जिहड़ा रूट्स नाल जुड़ेगा।